हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंबाइंड स्टेट और अपर सबॉर्डिनेट सर्विस जो पीसीएस की वैकेंसी है वो नोटिफाई हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग लॉ फील्ड के होते हुए हम इस वैकेंसी को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपकी लॉ की भी वैकेंसीज हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे भी थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पे जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 1 जनवरी 2024 से है। जो लास्ट डेट है फी सबमिट करने की, दैट इज 29 जनवरी। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज 2 फरवरी 2024। करेक्शन और मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो 9 फरवरी 2024 की है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसने अभी तक OTR नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए नहीं बात करें कि वहां से जो वैकेंसीज आती हैं उन्हीं के लिए, ये आपको PCSJ में भी करना है, ये आपको APO के लिए भी करना है, UPAPO के लिए भी करना है, UPPCSJ के लिए भी करना है। तो कोशिश करना कि जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये जरूर कर लो, क्योंकि फिर जैसी वैकेंसी आती है ना, साइट हैंग होनी शुरू हो जाती है और फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो OTR भले आप इस वैकेंसी के लिए करो ना करो, बट इसको जरूर कर लो। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे टोटल जो आपकी, ये आपका OTR का पूरा दिया हुआ है कि किस तरह से करना है। टोटल वैकेंसी आई है 220, बाइफर्केशन ये लोग कभी नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाइफर्केशन मांगना भी नहीं, क्योंकि मिलेगा ही। यहाँ पे अब आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, यहाँ पे आपकी पहली वैकेंसी है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की, एलिजिबिलिटी भी बताएंगे। फिर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की एक वैकेंसी है जो लॉ फील्ड की है, आप उसे भर सकते हैं। फिर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, और सब रजिस्ट्रार, यहाँ डायरेक्ट लिखा है कि लॉ ग्रेजुएट चाहिए सब रजिस्ट्रार में। तो ये आपकी टोटल 1, 2, 3, 4 वैकेंसीज है जहां पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा क्लियर दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे एक और आपकी है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट Grade 2, यहाँ पे क्लियर आपसे मांगा गया कि लॉ की डिग्री होनी चाहिए और हिंदी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें, इसके अलावा भी आपकी कोई वैकेंसी है, इसके अलावा तो कोई वैकेंसी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अपियरिंग वाले नहीं कर सकते, जो लॉ अपियरिंग है वो नहीं कर सकते, उनकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 3 ईयर 5 ईयर जो भी है वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो यहाँ पे जो सब रजिस्ट्रार प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की बात करते हैं ट्रांसपोर्ट में, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की बात करें तो या तो आपके पास आर्ट्स की होनी चाहिए, सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, या कॉमर्स होना चाहिए, या आपके पास बैचलर होना चाहिए लॉ के लिए। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की बात करें तो अगेन यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन मस्ट है इन लॉ, या लेबर लॉ या लेबर वेलफेयर जिसमें भी है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन आपका PG होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक डिटेल्स है रिगार्डिंग दिस वैकेंसी। ये इसके जितना भी सिलेबस वगैरह है इसी वैकेंसी में नीचे दिया हुआ है, आपका सिलेबस भी दिया हुआ है। ये तो आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, ये पूरी की पूरी वैकेंसी अभी हम आपकी शेयर कर देंगे। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, तो यहाँ पे भाई प्री मेंस और वाइवा रहेगा, पर्सनालिटी एग्जामिनेशन, पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा, और ये पूरा आपका सिलेबस रहने वाला है, यही सिलेबस आपका आने वाला है। जो भी क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर भी आए हैं वो भी डिस्कस कर देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं। ये पूरा सिलेबस मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ, आप इसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।